हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिटी सानिया। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और सभी लोग अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रख रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रिटी सानिया पर। जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सानिया और आप मुझे देख रहे हैं प्रिटी सानिया पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडी, स्किन केयर और हेयर केयर की। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्किन के बारे में। जी हाँ, अपनी स्किन को हम कैसे निखार सकते हैं, इसको और कैसे ब्राइटन अप कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, वजन कम करने और खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर आपकी त्वचा को निखारने तक का काम करता है। जी हाँ, नींबू में, लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को बहुत प्रॉपरली निखारता है और हमारी स्किन को एक शेड लाइटन करता है। ये हमारी स्किन से हमारी स्किन की फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट और भी बहुत सारी चीज़ों को हटाता है। देखिए, ज़्यादातर लोग नींबू का यूज़ कैसे करते हैं, कुछ फेस पैक में लगा लिया या फिर उबटन बनाया उसमें लगा लिया। लेकिन हम आज कुछ नया करने वाले हैं, ना हम फेस पैक बनाएंगे ना ही हम उबटन बनाएंगे। जी हाँ, हम बनाएंगे एक टोनर। जी हाँ, जो डेली जब भी आप अपना चेहरा वॉश करें उसको तुरंत बाद आपको उसको अप्लाई करना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो एक अलग ही चमकती जा रही है, एक अलग ही ब्राइटनेस उसमें आ गई है बिकॉज ऑफ नींबू की वजह से। जी हाँ, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी को हम या तो कंज्यूम करें या अपने फेस पर ऊपर से लगाएं, दोनों ही तरीके से वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो चलिए बनाते हैं कम कीमत पर एक ज़बरदस्त और इफेक्टिव वाला टोनर। टोनर बनाने से पहले मैं आपको इसका काम बता दूं कि टोनर हम आखिरकार लगाते क्यों हैं। देखिए, टोनर का काम होता है हमारे पोर्स की सफाई करना। जी हाँ, और हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस में रखना और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना। देखिए, ये तीन काम होते हैं टोनर के। स्टार्टिंग हमारे फेस के बिगड़ने की कहाँ से होती है, अगर हमारे पोर्स की सफाई नहीं होती है तो वो पिंपल्स का रूप ले लेते हैं तो फिर वो निशान छोड़ जाते हैं और हमारी स्किन का हो जाता है कचरा। जी हाँ, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बनाना है एक टोनर। और नींबू से बना हुआ टोनर कितना इफेक्टिव होने वाला है ये आप देखिएगा, और कितनी सिंपल तरीके से ये बनाया जा सकता है ये भी आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे दो नींबू, यानी कि लेमन। लेमन का हमें छिलका लेना है केवल, हमें उसके अंदर का भाग नहीं लेना है, हमें लेमन का केवल छिलका चाहिए और इसी से हम अपना टोनर बनाएंगे। लेमन में बहुत सारी खूबियां होती हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको हम कंज्यूम करें या अपनी स्किन पर लगाएं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारी स्किन का कलर जो है एक लाइटन शेड में आता है, इसके यूज़ से हमारा कलर जो है वो फेयर हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा जो है वो जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल पाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट जब गुलाब जल ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुलाब जल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन को रोज़ जैसा निखार देने के लिए गुलाब जल बहुत फ़ायदेमंद है और ये एक टोनर का काम करता है। हमारे पोर्स को जो ओपन हो चुके हैं उनको बंद करने का काम करता है, हमारे पोर्स की सफाई करता है, इसलिए हमने यहाँ पर गुलाब जल का यूज़ किया है और लेमन का यूज़ किया है। एक छलनी की हेल्प से हम अपना टोनर जो है वो अलग कर लेंगे, और ताकि हमारे टोनर में जो है वो एक ही लेमन का एक भी रैशेज ना रह जाए। अब इसके बाद हम एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे यही चाहिए था इसलिए मैंने इतना ही यूज़ किया है। और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये थोड़ा सा देर में मिक्स होगा लेकिन हो जाएगा, आप थोड़ा सा सब्र रखें और इसको मिक्स करते रहें, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड किया है ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके, गुलाब जल की सारी खूबियां जो हैं हम वो हमारे टोनर में अच्छे से आ जाएं।
तो इसलिए मैंने गुलाब जल का यूज़ किया है। अब आप इसको एक साफ़ से कंटेनर में भर के रख सकते हैं, कोई स्प्रे बॉटल टाइप की हो आप उसमें रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप उसको आसानी से यूज़ कर पाएँ। फिर ये टोनर मैंने यूज़ करके देखा है, मैंने अपने हाथ पर अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी चिपचिपा जैसा तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। आप इसको अपने फेस पर ऐसे ही अपने हाथ से ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा एकदम ऐसे थपथपा के आपको करना है, आपको एकदम से रगड़ के नहीं इसको लगाना है, ताकि वो आपके पोर्स में अच्छे से अंदर जा सके और अच्छे से सफाई कर सके। ये था हमारा होममेड टोनर। आई रियली होप कि आप सभी लोगों को ये अच्छा लगेगा, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और मेरी थोड़ी सी मेहनत या थोड़ी सी कोशिश अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।